नमस्कार दोस्तों, कांग दे रंग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं कुलविंदर सिंह कांग और आज आप देख रहे हैं कि आज मैं कैमरे के पीछे हूं, आगे नहीं हूं। और आप ये जो ट्रैक्टर देख रहे हैं, ये ट्रैक्टर ज़मीन को लेवलिंग कर रहा है। और ये आप देखिए, ये जो स्टैंड है ये कंप्यूटराइज है और कंप्यूटर के आधार पर एक खेत की मिट्टी को, ज़मीन को, सतह को लेवल किया जाता है। बहुत आधुनिक प्रक्रिया इस खेत में अपनाई जा रही है। आइए खेत के मालिक से बात करते हैं, वो आपको बताएंगे कि ये क्या सारी प्रक्रिया है। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल दोस्तों। ये सर क्या प्रक्रिया बताएं आप हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को? ये जी खेत लेवल करने का नवा तरीका हैगा जी, कंप्यूटराइज। आज जरा खेत के थानू देखते हैं, ट्राईपॉड लग्या है, ये कंप्यूटर लग्या है, वो लैवल सैट कर लेता भी किस लैवल की जमीन चाहिए है। तो ट्रैक्टर के पिछे जोड़ा किराए से एंटीना लग्या है, वो ये कंटैक्ट करके तो उस लैवल से जिते उस चीज़ होंगी है जमीन, उतों मिट्टी खिंच के नीवी थाँ छड़ दिंदा है। तो ये मतलब जमीन बिल्कुल यहोजी लैवल हो जाती है भी जितनों मर्जी तुम पानी छड़ दो, पूरे खेत लैवल पानी आएगा, कोई उच्ची नीवी जमीन नहीं होएगी। ये अगे फिर बहुत फायदा रहता है फसल में, पानी की वेस्टेज नहीं होंगी, तो ईवनली पूरी क्रॉप में पानी लग जाता है, तो किसान का खर्चा भी घट होता है। और कितने सालों के बाद ये लेवलिंग करवानी पड़ती है? ये तो जी वैसे हर चौथे पांचवें साल करते रहो, वैसे तो 5 ईयर प्लान ही चलता है इतने इंडिया च। 5 साल बाद करा लो तो 4-5 साल बड़े आराम ना निकल जाते जी। पहली बार ज़्यादा खर्चा होता है, उस तो बाद चौथे पांचवें साल तो बहुत घट खर्चे जी हो जाता है, तो बहुत वधिया लेवल हो जाता है, पानी की बहुत सेविंग हो जाती है, तो क्रॉप भी ठीक हो जाती है। क्यों करवाना पड़ता है ये? जमीन उच्चिया नीवियाँ हो जाए जी, जिदा हम प्लांटेशन लगे हुए थे, एक रुख वाही जाओ जमीन उच्ची नीवी हो जाती है, तो कुछ साल बाद फिर जब चेंज करते हैं दोबारा क्रॉप पैटर्न चेंज करते हैं, फिर उच्ची नीवी जमीन फिर कम नहीं आती, वो लेवल करनी पै जाती है। अच्छा, ये देख रहे हैं हम कि काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही, जहाँ पर मिट्टी ज़्यादा होती वहाँ ट्रैक्टर को जोर क्यों लगता है? उतों फिर ट्रैक्टर ने मिट्टी लिफ्ट करनी है जी, कंप्यूटर का अपने लैवल से सैट है, उत्थे फिर जिनी ज़्यादा मिट्टी होगी उन्ना वह जोर लग जाता, भर जाता है पूरा कराहा पिछे, वो फिर लोड मानते अगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट सर।